हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नीतू क्रिएटिव कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज फिर से हम एक नया क्राफ्ट बनाएंगे और इस क्राफ्ट को बनाने के लिए हमने यहाँ पे पंखे का जो ऊपर वाला कवर होता है उसका यूज किया है। आपके घर में अगर पुराने पंखे का कवर है तो आप उसका यूज कर सकते हैं, या फिर आप इसके जगह प्लास्टिक के बॉटल का ऊपर का हिस्सा यूज कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसके नीचे वाले हिस्से में कुछ थोड़ी थोड़ी दूर पे होल बना लेंगे और उसके बाद ऊपर में भी हम 3 से 4 होल बना लेंगे। ये आप देख लीजिएगा कि आप इसे किस तरह से हैंग करना चाहते हैं, उसी अकॉर्डिंग होल बनाएं। होल बनाने के बाद हम एक कटोरी में थोड़ा सा POP लेंगे और उसमें थोड़ा सा फेविकॉल और थोड़ा सा पानी मिक्स करके घोल तैयार करेंगे। घोल तैयार करने में बस एक बात का ध्यान देना है कि जब हम घोल तैयार करेंगे तो उसमें किसी भी तरह का लम्स ना रहे। अगर आपके पास POP है तो आप POP का घोल बना सकते हैं, नहीं तो आप POP की जगह बेबी पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। घोल तैयार करने के बाद हम इस घोल को ब्रश की हेल्प से पंखे के कवर पे अप्लाई करेंगे और जब वो अच्छी तरह से सूख जाएगा तब हम उसे कलर करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ इस तरह के शंख हैं तो मैं आज इस क्राफ्ट में इसका यूज करूँगी। घबराने वाली कोई बात नहीं है, अगर आपके पास नहीं है तो मैं उसके लिए भी आइडिया बताऊँगी। ये आपको बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप इसे परचेज करें, आप इसके जगह जो आज मैं बताऊंगी आप उसका भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस शंख को कलर कर लूँगी और कलर करने के बाद इसे सूखने के लिए रख दूँगी। आप कलर बड़े ही सावधानी और बहुत ही शांति से करें, जब आपका एक कलर सूख जाए तब उस पर कोई दूसरा कलर करें। आप कोई भी क्राफ्ट बनाते हैं और अगर उसे अच्छी तरह से कलर करते हैं तो उस क्राफ्ट की खूबसूरती बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप कलर बहुत ही सावधानी से करें। आप देख सकते हैं कि मैंने इस शंख को इस तरह से कलर किया है और ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है। फ्रेंड्स, मेरे पास वो शंख पड़ा हुआ था तो मैंने उसका यूज किया। आप उसकी जगह थोड़ा सा पहले बॉल पुटी का डो ले लें और उसे एक प्लास्टिक सीट पे रख के अच्छी तरह से बेल लें और उस बॉल पुटी से आप हार्ट शेप या आप कोई भी आपको जो भी शेप पसंद है आप वो शेप कट कर लें और उस शेप को कलर करके हम यहाँ पे हैंग करेंगे। तो देखिए, मैंने बॉल पुटी से हार्ट का शेप कट किया है और मैं इसे सूखने के लिए रख दूंगी। जब ये सूख जाएगा तब मैं इस पर कलर करूँगी। फ्रेंड्स, जब आप बॉल पुटी को प्लास्टिक सीट पर रख के बेलेंगे तो आप प्लास्टिक सीट पे कोई भी तेल या पाउडर लगा के ही बेलें। इस तरह से बेलने से जो आपका बॉल पुटी है वो प्लास्टिक सीट पे नहीं चिपकेगा। अगर आप उस पे कुछ भी तेल या पाउडर नहीं लगाते हैं तो बॉल पुटी के चिपकने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बॉल पुटी से बनाए हुए हार्ट को मैंने इस तरह से कलर कर लिया है और जब इसका आगे का कलर सूख जाएगा तब मैं इसके पीछे की साइड भी कलर कर दूंगी। अब देखिए, जो पंखे के कवर पे हमने POP लगाया था वो अच्छी तरह से सूख गया है तो मैं अब इसे भी कलर कर लूँगी। देखिए, हमारा कलर हो गया है कंप्लीट और ये अच्छी तरह से सूख भी गया है। हमने जो शंख को कलर किए थे वो भी सूख गए हैं और जो हार्ट बनाए थे वो भी सूख गए हैं। मैंने देखिए इसे दोनों साइड कलर किया है। इसके बाद क्या करेंगे कि हम इसे हैंग करेंगे। तो हैंग करने के लिए मैंने यहाँ पर जो गोटा वाली लेस होती है वो ली है। ये काफ़ी मजबूत होती है और देखने में अच्छी लगती है। आप इसकी जगह ऊन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमने शेप कट किया है उसे नीचे की तरफ हैंग करेंगे और गांठ लगा देंगे।
उसके बाद क्या करेंगे कि थोड़ी दूर पर लैस में गांठ लगा देंगे। आपने अगर ऊन यूज किया है तो आप भी उसमें गांठ लगा दीजिए। उसके बाद हम 3-4 मोती उसमें डालेंगे और फिर उसे थोड़ी दूर पर गांठ लगा देंगे। इस तरह से करने से ये होगा कि हमारा जो मोती है, एक तो वो कम लगेगा और हमने मोती को जहाँ पे फिक्स किया है वो वहीं पे रहेगा। मुझे जितनी लंबाई चाहिए मैं उसी के अकॉर्डिंग इसमें मोती डाल रही हूँ और थोड़ी थोड़ी दूर पे गांठ लगाते जा रही हूँ। तो मैंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें मोती डाल ली है। अब मैं इसमें क्या करूँगी कि मैं इसे इस पर टक कर दूँगी। तो देखिए, ऊपर जो हमने होल बनाया था उसमें भी मैंने गोटा वाली लेस डाली है और उसमें कुछ मोती डाल के इसे हम एक जगह इकट्ठा करके गांठ लगा देंगे और एक्स्ट्रा बचे हुए लेस से हम इसे हैंग करने के लिए जगह बना लेंगे। इसी के साथ हमारा क्राफ्ट हो गया है तैयार और अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो ये देखिए, ये है इसका फाइनल लुक। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसी लगी। है ना, ये बहुत ही कम खर्च में बनने वाला क्राफ्ट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।